अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, बट आई एम सो रिलीव्ड कि ये मिर्जापुर टू आ रहा है। मैं तो गोतू को सीजन टू में मिर्जापुर की उमा थर्मन बुलाती हूँ। मैं तो ये मान के चलती हूँ सीरियसली दैट यहाँ जो भी किरदार निभाया है, वी वर लिटरली ये हमें ही मिलना था, बिकॉज आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स एज एनीबडी एल्स। उनका तो नाम बड़ा अलग है, प्रिंस नाम है। अरे वाह, रॉयल्टी नाम है प्रिंस, टाइप का नाम है मुन्ना, एक प्रिंस एक पता। हाँ, प्रिंस ऑफ अगर किंग है तो हम हुए प्रिंस। एग्जैक्टली। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्येंदु। हाय, मैं हूँ रसिका दुबिल। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी शर्मा। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति जी के संग। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी हो, ऐसा कहना इनका है। बट फिलहाल मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज जो मिर्जापुर के वासी हमसे मिलने आए हैं वो अपनी अपनी मर्जी से आए हैं और उनपे कोई कोई नहीं की गई है। वेलकम टू और बताओ। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑफकोर्स आपका एक इंट्रोडक्शन तो है पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, दिवेंदु, बट हम तो मतलब कालीन भैया और बीना त्रिपाठी और गोलू और मुन्ना भैया के नाम से ही आपको जानते हैं, पहचानते हैं। एक सवाल जो जैसे ही मिर्जापुर वन खत्म हुआ था सब उसके बाद पूछ रहे थे कि सेकंड सीजन कब आएगा, जवाब मिल गया। इनफैक्ट वो सवाल हम लोग भी पूछते थे अपने प्रोड्यूसर से और अमेज़न से कि भाई सीजन टू कब आएगा। बट आई कैन इमेजिन कि आप लोग कितने तंग आ जाते होंगे ये पूछते हुए, बिकॉज़ यू नो एवरीवन वांटेड टू नो जस्ट दिस। तो आप सच्ची सच्ची बताइए प्रेशर कितना है। पहले तो मतलब हंसते खेलते पहला सीजन आ गया, नोबडी हैड एनी एक्सपेक्टेशंस, अब मतलब मीम्स एंड डायलॉग्स एंड फैन क्लब्स एंड कल्ट फॉलोइंग के बाद ये सेकेंड सीजन मिर्जापुर 2 कब आएगा। सो आई एम मोर देन रिलीव्ड कि मिर्जापुर 2 अब आने वाला है, सबको अच्छा लगे, आई रियली होप अच्छा लगे, बुरा लगे जो भी है, बट आई एम सो रिलीव्ड कि ये मिर्जापुर 2 आ रहा है। सो पीपल आर जस्ट स्टॉप आस्किंग दैट क्वेश्चन। अच्छा अब कमिंग टू गोलू, लाइक ट्रेलर से काफी आपके नाजुक कंधों पे इस बार काफी भार है। नहीं, नाजुक तो हमारे कंधे कभी नहीं थे, वो यूटिलाइज नहीं हुए थे सीजन वन में, अब सीजन टू में यूटिलाइज होंगे। मैं तो गोलू को सीजन टू में मिर्जापुर की उमा थर्मन बुलाती हूँ। वो काफी पता is a correct description, but Rasika आप को like when I remember first season जब आया था, we were all like that's Rasika, like you know this was completely something we never expected you would do, but you pulled it off. और इस season में तो अभी भी मतलब आपके dialogues already उसके मैं memes देख रही थी online। अच्छा no oh shit But thank you, because I was very nervous कि मैं ऐसा role pull off कर पाऊंगी कि भी नहीं। जब उन्होंने मुझे cast किया तो मैं बहुत खुश थी कि चलो मुझे कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है, लेकिन दो तीन हफ्ते बाद मैंने सोचा कि कहीं इन्होंने गलत कास्टिंग तो नहीं कर दी, मैं ऐसा कर पाऊंगी कि नहीं पता था। सर थैंक यू फॉर सेइंग दैट आई कुड पुल इट ऑफ। बट सीजन टू जब हम शूटिंग कर रहे थे सीजन टू की, तो आई वुड ऑलवेज आस्क गुरमीत कि ये सब कुछ नया नई नई चीजें हो रही हैं, लेकिन वो बीनानेस है ना अभी भी, दैट वाज ऑलवेज माय वरी कि कहीं वो तो ना कहीं छूट ना जाए। तो या बट गुरमीत एंड पुनीत एंड मिहिर वर ऑल वर्किंग ऑन सीजन वन ऑल्सो, सो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ ग्रुप हु नोज द कैरेक्टर सो वेल, दे नो how the characters are hardwired, so it's very easy for them to play around with them and give them more finer details and nuances. I like this Beena-ness phrase. इसपे हम आएंगे, but Tripathi जी आप ऐसे शांत बैठे हैं और गमछा वमछा एक अलग ही लुक में है, आप बताइए कालीन भैया इस बार क्या करने वाले हैं? भैया कुछ नहीं, एक्टिंग करने वाले हैं, पैसे मिल। अच्छा पंकज जी का ये होता है एवरी टाइम, पंकज जी मैं आपसे पूछती हूँ किसी भी इंटरव्यू में आपका, मैं देखता हूँ ऐसे बड़े आराम, जैसे कि हम बस घर से ऑफिस गए फिर हमने काम किया हम आ गए, बट आप ऑन स्क्रीन कमाल कर देते, मेक इट सीम सो इजी।
एक्टर का जॉब है ऑन कमाल करना, ऑफ स्क्रीन सामान्य रहना, तो मैं वही करता हूँ ऑफ स्क्रीन जरूरत से ज्यादा। मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ तो कुछ नहीं है गुरु, जीवन है, आनंद लीजिए, जीवन का एक्सप्लोर करिए, खोजते रहिए, बहुत कुछ है करने को। आए चुप रहो, देखो मेरा कुत्ता आ गया, कुछ पूछा गया आपसे। ये इस वक्त के इंटरव्यू का मजा है जूम पे, आप अपने ही घर में हैं। अभी का कुत्ता भौंकता है और उसको क्या चुप कराऊं मैं। ये पंकज जी ऐसे फिलोसोफर के रूप में और तालीन भैया तो एकदम ही अलग ही गुस्से का रूप। वो क्राफ्ट है उसके लिए वही हमने सीखा है, उसी काम को करने में मजा आता है और उसी काम से हमारा घर परिवार जीविका चलता है और हमें हमारा पैशन है, मजा आता है उस काम को करने में। तो एक्टिंग जो है वो सीन में होना चाहिए, जिंदगी में नहीं होना चाहिए। ये बात सही, तो हम करते हैं जो काम है उस काम का करते हैं। अच्छा परिवार की आपने बात की, अब तो लोग अपने बेचारे घर में बंद है और ऑनलाइन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा देखने लगे, इनफैक्ट इट्स वेलकम रिलीज। मिर्जापुर वन आपने इस दौरान दोबारा देखी थी? हाँ दोबारा नहीं, पहले। हाँ और इस वो सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त, एक्सट्रीमली व्यस्त था पिछले सालों से, वक्त नहीं मिला। तो अभी छुट्टियों में मुझे लगा काफी छुट्टी है, क्या करूं, मेरा पीठ का दर्द था वो भी ठीक हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, योगा हो गया, रनिंग करके आ गए। मैं घर में थोड़ी शांत जगह पे रहता हूँ, फिर भी समय नहीं कट रहा है, तो मैंने बोला मैं मिर्जापुर देख लेता हूँ। सर वो वैसे शांत हो सकता है, आपके पुत्र का नाम क्या है? उनका तो नाम बड़ा अलग है, प्रिंस नाम है। अरे बहुत ही रॉयल्टी नाम है, प्रिंस मिर्जापुर टाइप का नाम है। मुन्ना एक प्रिंस एक पता। हाँ प्रिंस ऑफ अगर किंग है तो हम हुए प्रिंस। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा आप घर परिवार की बात कर रहे थे, ये एक शो है पारिवारिक तौर पे तो नहीं देखा जा सकता, एटलीस्ट सीजन वन के तौर पे मैं ये बोलूंगी, जो गालियां हमने सुनी और जो कुछ जितना वायलेंस इसमें था, इट वाज मोर अबाउट यू नो, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक कि कल्ट फॉलोइंग थी कि लोग आराम से अकेले बैठ के देखो, बट सह परिवार तो नहीं हो पाएगा। इस सीजन में क्या है, इज द वायलेंस कोशेंट या उस तरीके का लहजा और बोलने का ढंग वो और 2 डिग्री बढ़ गया? आप लोग कितना रिवील कर सकते हैं अपने फैंस के लिए? Because I'm sure those who are watching the interview would want to know what to expect from season 2. Nee, I think season 2 mein, I don't know violence as I can, but I think generally the scale of season 2 is bigger than that of season 1. And also it looks grander in also the way it's been visualized, by our DOP Sanjay Kapoor, by Gurmeet and Mihir. So I think wo difference ek mujhe laga, मैंने तो सिर्फ डबिंग कर ही देखा है, बट एक मुझे वो फर्क लगा। पंकज जी मैं किस चीज का पहला सीजन आपने आप जाके देखा? नहीं एक्टर तो क्रिटिकल होता है ना, हम अपने काम को हम ही पसंद करने लगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कि एक होता है ना वो आत्मुग्धा नायिका जो है ना, नायिका एक्ट्रेस हीरोइन, तो नाट्यशास्त्र में हीरोइन के बहुत प्रकार है, बहुत टाइप्स की हीरोइन होती है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। तो एक होती है आत्मुग्धा, आत्मुग्धा जो अपने आप से मुग्ध रहे कि हाय राम अच्छी हूं, तो नायिका की एक कैटेगरी है उसमें भरत नाट्य शास्त्र में है। तो वैसे ही आत्मुग्धा नायक भी होते हैं, तो मैं आत्मुग्धा नहीं हूं। हमारा काम मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब है अपने आप को थोड़ा क्रिटिकल होकर देखना, और जब भी हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं तो अच्छाइयों से ज्यादा हमारी नजर कमियों पे जाती है कि यहां और सुधार हो सकता था। तो यही है प्रवचन आजकल करने लगा हूँ यार, मैं हर चीज में कुछ और बोल देता हूँ। आपसे पूछूं अपने किरदार को छोड़ के शो में और किस किरदार से आपको सबसे ज्यादा प्यार था, या अगर आपके मन में कभी मन किया कि आप कुछ और प्ले करें तो वो क्या होगा? मुन्ना इन सीजन 1।
मुन्ना इन सीजन वन. मुन्ना इन सीजन या ओके. आई रियली मैं तो ये मान के चलती हूँ सीरियसली दैट यहाँ जो भी किरदार निभाया है वी वर लिटरली ये हमें ही मिलना था बिकॉज आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स एज एनीबडी एल्स. लेकिन हाँ वरना अदरवाइज वो ऑथर बैक रोल एंड जिस तरह से देवेंदु ने किया है मुन्ना वो फुल एनवी. When gender becomes fluid, then we'll all get an opportunity. Yes, I think that's the ideal state. Yes. Yeah. I won't lie. मैं मुन्ना ही pick करता. I mean, पहले मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं, but I think it's been written beautifully. I've been fortunate that I got this character to play. So definitely. But yeah, having said that, I mean, Mirzapur ka. मतलब आंख बंद करके भी कोई भी अगर वो कैरेक्टर बोले मेकर्स के आपको ये प्ले करना है सो आई डोंट थिंक यू वुड थिंक ट्वाइस बिकॉज एवरी कैरेक्टर हैज सच अ जर्नी एंड सो मच टू डू कि मतलब लिटरली रादर इफ यू आस्क मी कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो आप नहीं प्ले करना चाहेंगे कभी आई वुडंट हैव एनी आंसर फॉर इट. एवरी कैरेक्टर आई वुड लाइक. पंकज जी कौन सा किरदार? मैंने सब बता दिया यही मेरा भी आंसर. आप बोले थे इंटरव्यू में हमने नाराज हो जाओगे आपसे. नहीं बोलने के लिए आप बोलें तो मैं मुझे अगर मौका मिले तो मैं अपना वीना का करूंगा रसिका का. अच्छा दैट वुड बी नाइस. हां मुझे वो बहुत कमाल लगता है वो कैरेक्टर रसिका का. ओके श्वेता एंड रसिका you know in a way hum usually dekhte hai na and that's a complaint that a lot of people have ki lead roles for women nahi hoti especially films mein you know it's catering to a particular market ek time frame hai 2 ghante 2.5 ghante ki film mein aur ek you know it's usually difficult although aap dono ne aisi filmein kari hai where you've had very chiseled roles but that's not really the norm kahi pe aapko lagta hai this space online space jahan utna ab censorship bhi shayad nahi hai because of that the fact that women characters in all their shades, you know, from grey to black and everything else in between, explore hota hai and as an actor, aapko fayda milta hai apne skills ko darshane ka. It's not about the length of the role, like all of us have possibly discussed earlier. Lekin it's really about what they've done with the part. And because the OTT space seems to be driven by good content rather than anything else, I think that whatever part is present is sort of disrupting formula in some way. So that's always exciting. And I think for Veena, for me, what was exciting is, for example, that she's not a morally upright character. And very often we have women characters which are very morally upright and so good always, and we are very comfortable with the goodness of that, you know. But as soon as you have a woman who's disrupting that, that becomes uncomfortable for everybody. So I think it's really about content being given that importance, and therefore the characters are flourishing. So it's not about a longer part or a smaller part, but the way that a character is put in a story. Right, Shweta. I agree with everything that Rasika says. To add on to that, I think I would say that ki internationally bhi agar aap dekho to sirf India mein nahi ho raha hai ki women characters are becoming stronger. Thankfully, chahe aap House of Cards le lo ya जो भी शोज ले लो सो इट्स एक्साइटिंग कि नाउ इवन सोसाइटी वांट्स टू सी दैट. जैसे बीना के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना है ऑडियंस को. सो आई थिंक इट्स in an ideal way, in an ideal situation, it will be interesting जब आप वो gender नहीं देख रहे हो कि आपके character वो male है या female है वो हटा के कि आपका character क्या कर रहा है. And that I find, like, for example, if you ask me, मुझे जितने भी characters play करने होते हैं वो mostly male होते हैं. तो क्योंकि I think that comes from the fact that they get meatier parts. And again, like what Rasika said, कि male वो सही गलत करे पर वो protagonist हो सकता है, वो फिर भी hero होगा. लेकिन लड़की कुछ भी इधर उधर करे तो छी गंदी. तो नाउ ऑल दैट इज थैंकफुली चेंजिंग एंड आई फील ग्रेट दैट वी आर पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट जहां पे हम लेयर्स दिखा रहे हैं. क्योंकि कोई भाई असलियत में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है. तो ना ही हम लोग ड्राई क्लीन है और ना ही हमारे कैरेक्टर्स ड्राई क्लीन होके आने चाहिए. राइट. अरे पंकज जी, ये जो साल आपके लिए रहा, यू नो अभी तक we all thought that the best dad of the year ka award aapko mil jayega.
गुंजन सक्सेना में आपके काम के लिए, एंड नाउ यू आर बैक इन फॉर्म इस कालीन भैया के रूप में. और एक चीज जो बहुत इंट्रीग करती है आपके इन स्पेशली डार्कर शेड्स वाली परफॉर्मेंसेस में, कि आप अपने वॉल्यूम अपना पिच ऊपर नहीं करते, धीरे धीरे ऐसे भिगो भिगो के डायलॉग बोलते हैं. अब आपको एहसास है कि आप शायद एक अपना टाइप क्रिएट कर चुके हैं ऑफ अ काइंड ऑफ विलन दैट यू नो गुड़गांव में या इसमें, कि जो पंकज त्रिपाठी इस तरीके के विलन के रोल में है. हाँ तो अगर हो गया तो उसको ब्रेक करूंगा, फिर थोड़ा कुछ नया करेंगे. बट आप खुद कैसे यू नो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं व्हेन यू फील कि शायद उसी जोन में जा रहे हैं? नहीं, मैं बड़ा ऑर्गेनिक हूँ, बहुत ऑर्गेनिक हूँ. और वो क्या है ना, आपको मैं वो पेंटिंग बनाता हूँ जिसको देखने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. कि जिसको संगीत की समझ है उसके लिए नुसरत साहब का हर गाना अलग है, जिसको संगीत की उतनी समझ नहीं है उसके लिए नुसरत फतेह अली खान एक जैसा गाते हैं. जब मैंने मिर्जापुर सीजन 1 पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये तो मैंने गुड़गांव देखा हुआ था तब. तो मैंने जब पढ़ा मैंने बोला अच्छा पंकज को भी वही गुड़गांव वाला रोल मिला है, ऐसे मैंने सोचा दिमाग में पढ़ते वक्त. और जब मैंने सीजन 1 देखा एंड आई जस्ट थॉट दैट व्हाट अ ग्रेट एक्टर पंकज इज बिकॉज ऑफ द लाइक ही सेड, जो बहुत टाइनी डिफरेंस था गुड़गांव वाले कैरेक्टर में और अखंडानंद त्रिपाठी में. अखंडानंद त्रिपाठी में मेरे ख्याल से एटलीस्ट फ्रॉम माय व्यूइंग आई फेल्ट देयर वाज अ सेंस ऑफ ह्यूमर व्हिच वाज प्लेस्ड वेरी करेक्टली, व्हिच इज वेरी पंकज टाइप सेंस ऑफ ह्यूमर जो लेकिन करेक्ट क्वांटिटी में आता था. वो मुझे गुड़गांव वाले कैरेक्टर में उनका उस कैरेक्टर का नाम भूल रही हूँ, तो वो फर्क मुझे लगा. तो एंड देयर आर, ये मुझे ना जैक निकल्सन की परफॉर्मेंसेस में भी लगता था, जो ऊपर से सिमिलरिश दिखने में अंदर में उनकी वायरिंग में छोटी छोटी चीजें अलग होती हैं. एंड इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच यू नो टू सिमिलर परफॉर्मेंसेस डन डिफरेंटली व्हेन द इंटरनल वर्किंग इज डिफरेंट. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? What should all of us expect from this season? क्या होगा? We are expecting brilliance, sheer brilliance. Exactly. Our fans. I'm hoping that the fans will be happy. That's all. I mean, they're so loyal and they're so sweet that and they've been waiting so like sincerely. So I hope that they will be happy. Well, absolutely. हमें ज़्यादा doubt नहीं है. Hopefully next time we meet, I'm going to ask you which was the favorite meme जो आप लोगों को अभी तक लगा कि बन रहे हैं. But this was an absolute pleasure. Looking forward to watching Mirzapur 2. But बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you. Thank you.